डॉक्टर साहब, आपका इतना एक्सपीरियंस है मेडिकल में, इतने मरीज देखे होंगे, क्लिनिक चलाते हैं और मुलाकात करते हैं। इंडिया पाकिस्तान के मिडिल क्लास लोग या गरीब लोग, जो जाहिर है उनका बजट ही आउट हो जाता है मेडिकल में, पता नहीं होता है अवेयरनेस की वजह से, वो मोटी मोटी कौन सी बातें हैं कि जिसको अगर कोई आम आदमी अपना ले तो उसका मेडिकल का बिल आधा नहीं तो कम से कम क्वार्टर तो कम हो जाए, खास बातें हमारे माशरे में? बात आपकी दुरुस्त है कि मेडिकल के जो एक्सपेंसेस हैं सब, वो एक आम आदमी के बस से तो बहुत पहले ही बाहर हो चुके हैं, और अब मिडिल क्लास भी उस प्रेशर को बहुत महसूस करती है। मामला यहाँ तक पहुँचा है कि अब जो बहुत वसाइल रखने वाले लोग हैं उनके लिए भी ये चीज़ मुश्किल से मुश्किल होती जा रही है। सेहत के बारे में जितना मेरा तजर्बा है उसमें आपको मैं ये अर्ज करूँ कि जो एक बहुत पुरानी कहावत है कि परहेज या एहतियात इलाज से बेहतर, या आज के दिन भी सही है कि बहुत सारी बीमारियां दुनिया में वो हैं और महंगी, जिसका इलाज महंगा है, वो बीमारियां बहुत मामूली एहतियातों से उनसे बचा जा सकता है। मसलन और सेहतमंद जिंदगी गुजारने के जो बुनियादी तरीके सदियों से इंसानी माशरों में राइज हैं, आज सिर्फ उनके याद दहानी की उसकी जरूरत है, पर वो मौजूद हैं। और एक कॉमन विजडम, खाने में क्या एहतियात करें? खाने के अंदर जो है सबसे पहली बात ये कि पानी का इस्तेमाल बढ़ा दें पानी का इस्तेमाल बढ़ाए, क्योंकि बहुत सी सूरतों में प्यास होती है जिसको इंसानी जहन भूख के तौर पे परसीव करता है, लेकिन एक्चुअली उसको जरूरत होती है पानी की। अच्छा, तो अगर इंसान का हाइड्रेशन ठीक रहे, उसके जिस्म में पानी की मात्रा ठीक रहे, तो उसको भूख की कमी का एहसास कम हो जाता है। ठीक है, तो आदमी अगर अपने आप को हाइड्रेटेड रखे तो खुराक की जो ज्यादती है उसमें कमी लाई जा सकती है। फिर दूसरी बात ये आती है कि भूख लगे तो खाएं, भूख ना हो तो ना खाएं, ये दूसरा इसके अंदर एक कॉमन सेंस तरीका है कि आदमी उसी वक्त खाए जो उसको उसके जिस्म में खुराक को हजम करने की। आप हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोगों को मद्देनजर रखते हुए बताएं, हमारे यहाँ 3 टाइम खाया जाता है और डट के खाते हैं लोग। 3 टाइम खाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 2 वक्त के खाने से भी उनका काम उनकी सेहत अच्छी रह सकती है, हो सकता है उनको जरूरत नहीं है 3 टाइम खाने, और 3 से ज्यादा बात लोग हैं जिनकी ये बात भी ठीक है, 3 खाने को 5 हिस्से कर दें, थोड़े थोड़े करके खा लें। ये डिपेंड करता है कि किसका मेटाबॉलिज्म किस तरह है, हर आदमी को फिट नहीं आता में जो है वो अलग है। बाज लोग दो, जैसे मैंने अर्ज किया कि 2 वक्त के खाने से भी उनका जो है काम चलता है। डॉक्टर साहब, क्या खाएं? सॉरी, खाने के मामले में ये है कि एक मुतवाजन ग़िज़ा, और ये भी एक इंसानी माशरों में बेशतर जगहों पे लोगों को पहले से पता है कि क्या चीजें जो है वो ज्यादा खानी चाहिए और क्या चीजें कम खानी चाहिए। हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान रोटी सालन और यही खाते हैं, कोई इसमें हर्ज नहीं है रोटी सालन खाने के अंदर, लेकिन ये कि अगर बैलेंस कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट का अगर एक बैलेंस हो और तो वो ठीक। चावल भात कम खाएं आप कहते हैं? चावल कार्बोहाइड्रेट्स हमारे बरेसगीर के माशरे में इसका इस्तेमाल निस्बतन ज्यादा है, जिसकी जिस्म को इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती, इसकी मकदार को कम किया जाना चाहिए। आपके अमेरिका में क्या खाते हैं लोग? चावल रोटी सालन नहीं खाते तो उनके यहाँ खानों में आलू का इस्तेमाल है एक मुतबादल के तौर पे। अच्छा। जैसे हम जो अपने खाने का बल्क जो है वो चावल या रोटी से बनाते हैं, तो उसमें वो आलू है, कुछ बॉयल सब्जियां हैं, कुछ स्टीम सब्जियां हैं, इन चीज़ों से वो उसको रिप्लेस करते हैं, तो जिसमें फाइबर ज़्यादा होता है, कुछ विटामिन भी ज़्यादा होते हैं। तो समझने के लिए आसानी से पूछ रहा, एक आदमी को कितनी रोटियां खानी चाहिए एक दिन में? जी, एक वक्त में एक अगर अब हमारे रोटियों के साइज अलग अलग होते हैं, बहुत बड़े बड़े नान होते हैं, एक नान से जो है पूरा खानदान खा सकता है जी। तो अगर उसमें चपाती साइज है तो 1 से 2 चपातियां जो है वो काफी होनी चाहिए, और उसके साथ जो है चावल खाते हैं तो चावल का इस्तेमाल जो है वो मैंने देखा है कि उसके मामले में बदहतियाती सबसे ज्यादा है, कि चावल के एक वक्त की खुराक जो है वो पके हुए चावल वो 1 कप होना चाहिए, उससे ज़्यादा जो है वो एक्सेस हो जाता है। तो इसको खासतौर पर जिन लोगों को शुगर है, डायबिटीज़ की बीमारी है, उनको इसका खास ख्याल करना चाहिए कि किसी एक वक्त में 1 कप से ज़्यादा चावल ना खाए। डॉक्टर साहब, सच बात यह है कि मेरे जैसे बहुत से लोगों को भूख बहुत लगती है, बेचारे वजन कम करना चाहते हैं लेकिन वो मजबूर हैं, नहीं खाते हैं तो क्या खाएं? आप अल्टरनेट बता दें कुछ।
खाने के बारे में जैसे मैंने कहा कि हाइड्रेशन पहली बात है, कि पानी में की कमी जिसम में नहीं होनी चाहिए, तो उससे भूख भी कम बनेगी। दूसरी बात है कि खाने को बहुत अच्छी तरह चबा के खाया जाए, और कम से कम 10-12-15 दफा हर नवाले को चबाया जाए, जिससे ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि भाई फूड का आने का अमल शुरू हो चुका है जिसम के अंदर। अच्छा, तो इससे जो है गैर जरूरी गजा का जो कंजम्पशन है वो कम हो जाता है जिसम के अंदर। और इस तरह फाइबर हैं, सब्जियां हैं, सलाद वगैरह, ये चीजें भूख को कम करने में ये सेटिस्फेक्शन। पानी पहले पी लें खाना शुरू करने से पहले, खाना और दिन भर में जब भी प्यास पीते ठीक पानी पानी से पीना चाहिए। अब हमारा एक मसला है इंडिया पाकिस्तान में कि शादी ब्याह में जाते हैं तो देर से खाना मिलता है, खूब खा लेते हैं और अगले दिन तबीयत खराब हो जाती है, इसको कैसे हैंडल करें? इसका ये तो सामाजिक मसला है, इसकी तबीयत मसला नहीं है कि बात सोसाइटी के जो ट्रेंड होते हैं उनको तब्दील करना इतना आसान काम नहीं होता। तो देर से खाना जो है ये सेहत के तबीयत हल्कों में ये बात बहुत वाज है कि खाना सोने से 3 घंटे पहले, सोने से 3 घंटे पहले। अब ये अब शादी हो या कोई और तकलीफ हो, इससे तब्दील नहीं होती ये चीज़, ये ऐसी है। ये बदकिस्मती की बात है कि खाने हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा देर से होते हैं, मुरगन होते हैं, रिच होते हैं, थोड़ा सा फावानी भी होती है तो लोग ज़्यादा भी खा लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें मिल मिला के तबी लिहाज से एक ख़तरनाक स्थिति होती है। ये बात दुरुस्त है आपकी कि बहुत से लोग जो है वो अगले दिन बीमार सुबह जो है वो पाए जाते हैं, बाज़ात इसमें हार्ट अटैक और बदहजमी के सिम्टम वो। तो आपका ख्याल है कि खाने में एहतियात करें तो 50% बचत हो जाती है, खाना ठीक तरीके से खाएं तो सेहत की बात बीमारी इससे भी ज्यादा। अच्छा, ये इसका इन्हसार इस बात पे कि किस तरह की बीमारियों की हम बात कर रहे हैं, लेकिन जो मौजूदा जमाने में जो महंगी बीमारियों के जो कॉमन सोर्सेज हैं वो बुनियादी तौर पर ब्लड प्रेशर है, शुगर है और कोलेस्ट्रॉल है, ये इन तीनों चीजों का। अच्छा, बाहर जो खाते हैं खाने चटोरे, उनको क्या एहतियात करनी चाहिए बाहर का? बाहर खाने के अंदर जो है वो क्वालिटी ऑफ फूड जो है ये हमेशा से कंसर्न रहा है कि जो घरों में खाना पकता है उसके अंदर क्वालिटी जो है वो घर के लोग मेंटेन करते हैं, लेकिन बाहर आपको पता नहीं होता और आए दिन जो खबरें सुनने को आती हैं उससे ये कंसर्न बढ़ता है। दूसरे बाहर के खानों में प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल, नमक का इस्तेमाल, चिकनाई का इस्तेमाल मुख्तलिफ वजूहात से बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, तो इसको बाकायदगी से इस्तेमाल करने वाले लोगों को जो बाकायदगी से घर से बाहर खाने खाते हैं उनको इन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए कि वो जो है वो देखें कि उनकी डाइटरी नीड्स जो है वो पूरी हो रही हैं और कोई ऐसा ना हो कि फिर वो एक ही तरह की चीज़ें खा रहे हैं, फ्राइड फूड है अगर आप रोज़ाना खाएंगे तो ज़ाहिर है। तो डॉक्टर साहब, जो हमारे हिंदुस्तान के लोग हैं जो वो गोश्त नहीं खाते, वेजिटेरियन है, वो क्या चीज़ें ज़्यादा लें कि प्रोटीन की कमी वगैरह उसको? ये उन सोसाइटीज में सदियों से उसके मुतबादल इस्तेमाल हो रहे हैं, बहुत मौसर किस्म के मुतबादल मौजूद हैं, दालें हैं, बीन्स हैं। अच्छा, और कई और चीज़ें हैं जिसके अंदर प्रोटीन होता है और एनिमल सोर्स से होना उसका लाजमी नहीं है। खाने पे तो आपने अच्छी बात की, इनका ख्याल रखेंगे। लाइफ स्टाइल, रोजमर्रा की जिंदगी किस टाइप की हो, पैदल चलना है वगैरह, सोना, इसके बारे में कुछ रोशनी डालें। एक्टिव रहना जो है ये बुनियादी चीज़ है कि इंसान जो है वो सुस्त ना हो और काउच पोटैटो ना हो, एक्टिव रहे, ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चले, छोटे मोटे जो घर के और दफ्तर में काम होते हैं जिसमें आपकी फिजिकल एक्टिविटी है इसको लाइट ना लें, ये बहुत अहम चीज़ है। अच्छा, और हर घंटे पे कम से कम जो है वो 10 मिनट के लिए इंसान जो है अगर टेबल चेयर के साथ काम करता है तो उठे और कोवर्कर्स के पास जाए, अपने आप को स्ट्रेच करें, मूव करें, छोटे से छोटे दफ्तर में ये काम आसानी से हो सकता है। ये ज़रूरी है कि बॉडी जो है वो दिन के औकात में एक्टिव रहें, फाल रहें, और ये चीज़ें की जा सकती हैं और लोग इसका एहतमाम करते हैं, लोग सेहत का ख्याल करें, एक्टिव रहें, पैदल चलें, और जब भी पैदल चलना मुश्किल है हिंदुस्तान पाकिस्तान में, हर आदमी के पास ग्राउंड नहीं है, फुटपाथ साफ सुथरे नहीं है, उसका कैसे मैनेज करें? जिन बिल्डिंग्स में रहते हैं वहाँ सीढ़ियाँ होती हैं, ट्रांसपोर्ट तक जाने के लिए जो
रास्ता तय करना होता है वो भी है, जरूरी नहीं है कि जिम में जाकर और मैदानों में जाकर भाग दौड़ की जाए। अच्छा। जहाँ भी अवेलेबल हो जो 5 स्टेप्स ले सकते हैं, घरों के अंदर भी चल सकते हैं, घरों के अंदर भी चल सकते हैं बिल्कुल। और मोबाइल फोन ने इसको आसान कर दिया है, फोन पे बात करते हुए जो है एक कमरे के अंदर भी रहते हुए जो है वो अच्छा चला जा सकता, कितना है, चले? चला सकता है, कैसे नापेंगे ठीक चले कि नहीं चले कम चले? चलना जो है कम से कम अगर 150 मिनट पर वीक अच्छा आप चलते हैं तो ये एक रीजनेबल। अच्छा। 150 मिनट पर वीक का चलना चाहिए और ये कम से कम मैं, यानी आपकी बातचीत से लग रहा है कि सेहत रखने के लिए बहुत हाथी घोड़े जोड़ने की जरूरत नहीं, हर आदमी मैनेज कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हुए जो इंसानी सोसाइटीज में जो तरीके इख्तियार किए गए हैं सदियों से उनको फॉलो करते हुए और हर चीज की ज्यादती से बचते हुए इतदाल का रास्ता इस्तेमाल करते हुए एक अच्छी सेहत जो है उसका हासिल बहुत हद तक मुमकिन है। तो डॉक्टर साहब हमारे यहाँ अब तो ये आपने बताया कि एक्टिव रहना चाहिए, खाने का बताया, कुछ बीमारियां कॉमन है लोग उसके साथ ही जिंदगी गुजारते हैं जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, तो मैं चाहूंगा कि आपकी गुफ्तगू से हमारा वो तबका भी इस्तेफादा करे जो इन बीमारियों के साथ जी रहा है। शुगर के मरीज को कैसे रहना चाहिए खाने पीने उसमें? शुगर के मरीज को सबसे पहले तो यही है कि वो किसी न किसी तिब्बी माहिर से डॉक्टर से रब्ता ले रहा है ताकि उसका स्टेटस जो है उसे पता चलता है। वो सिर्फ ये फील ना करे कि जब तक कोई सिम्टम ना हो वो डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, ये एक गलत तस्वीर है। शुगर के मरीज अगर किसी अच्छे और एक्सेसिबल डॉक्टर से रीच में हो और वक्ता फवक्ता अपना टेस्ट वगैरह कराते रहें और उन टेस्ट की बुनियाद पे अपना जो लाहेमल है उनका खुराक के बारे में, एक्टिविटी के बारे में, दवाओं के बारे में, उसके साथ अगर वो संजीदगी से थोड़ा सा एफर्ट करें तो शुगर के साथ बरसों जिंदगी जो है गुजारी जाती है। शुगर वालों को ज्यादा पैदल चलना चाहिए? शुगर वालों को पैदल भी चलना चाहिए, दूसरे हल्के फुल्के एक्सरसाइजेस भी अगर वो कर सकते हैं करने चाहिए और वेट के एक्सरसाइजेस अगर वो मैनेज कर सके तो वेट कम रखें, खाने पीने में मसल टोन जो है वो थोड़ा सा मसल भी बनाएं और कम से कम 3 दिन उसमें रिकमेंड करते हैं क्योंकि मसल्स जो है वो उनका अच्छे हालत में होना ये शुगर को कंट्रोल करने में काफी मदद कर। अच्छा अच्छा सही। और जो भाई हमारे ब्लड प्रेशर वाले हैं, हाई ब्लड प्रेशर मिसाल के तौर पे, ब्लड प्रेशर का इसमें यही है कि उसमें भी अगर दवाएं ली जाए वक्त पर, किसी डॉक्टर से रबते में रहा जाए और वक्तन फौक्तन चेक कराते रहें कि चीज़ें जो है वो कंट्रोल में है या नहीं, नमक का इस्तेमाल आराम, हल्की फुल्की वॉक रोजाना की बुनियाद पर और एक्सरसाइज जितनी जो है वो कर सकते हैं, ये चीज़ें को ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में काफ़ी मददगार। बहुत शुक्रिया। ये बताइए खवातीन का भी कोई हिस्सा कवर कर लेते हैं, हमारे यहाँ औरतें बहुत मोटी और जल्दी हेवी हो जाती हैं बेचारी, क्या वजह इसकी, उसको कैसे बेचारी मैनेज करें? मेरा ख्याल इसमें जेंडर का मसला नहीं है, मर्द भी मोटे होते हैं और औरतें भी होती हैं, जो है वो स्लिम से लेकर दूसरे डायरेक्शन में भी मर्द होते हैं। अच्छा। अगर कहीं पे खुराक से रिलेटेड मोटापा है तो ये आमतौर पर पूरे खानदान में। अच्छा। बल्कि कहा यह जाता है कि उनके घर के जो पेट्स होते हैं वो भी। अच्छा। तो इसमें कोई अच्छा ये कुछ लोग हमारे कहते हैं हम कम खाते हैं फिर भी मोटे हो गए और कुछ लोग खूब खाते हैं दुबले रहते हैं, मेटाबॉलिज्म अलग है, अलग इंसान। अच्छा। का बिल्कुल। और कुछ लोग जो है वो ज्यादा अपने अंदर अपने जिस्म में कैलोरी को कंज्यूम कर सकते हैं कुदरती तौर पर और उनको ज्यादा फूड की जरूरत होती है, कुछ लोगों को कम होती है। डॉक्टर साहब आपने तमाम चीजों को अच्छी तरह सादा जबान में कवर किया, आखिरी सवाल ये है कि हम अपने बच्चों को किस तरह लेके चलें कि उन्हें आगे चल के हेल्थ के वो मसाइल ना हो जो हमें हैं, जैसे आजकल बच्चे चिप्स खाते हैं खाने पे, बच्चों को हम कैसे पालें सेहत के हवाले से? ये जो जंक फूड की इस्तेला है और एक कॉमनली अंडरस्टूड इस्तेला है, सब समझते हैं कि क्या चीजें जंक फूड है। अनफॉर्चुनेटली इन जंक फूड का मसला जो है वो ये कि बहुत ज्यादा कैलोरी बहुत थोड़े से फूड में
कंसंट्रेट हो जाती है। अच्छा। और जंक फूड जो है बच्चे जब खा रहे होते हैं तो आमतौर पर वो किसी दूसरी एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व होते हैं, टीवी देख रहे हैं, वीडियो गेम खेल रहे हैं या और दूसरे बच्चों के साथ भाग दौड़ करते हुए, तो उनको एहसास नहीं होता और वो ज़्यादा मकदार में भी उसको खा लेते हैं, तो जिससे बहुत ज़्यादा कैलोरीज उनके जिसम में चल जाती है। ये चीज़ उनके लिए सेहत के लिए मुनासिब नहीं है। और जंक फूड रोकना है जो कि मुश्किल काम है, बाहर स्कूल में खा लेते हैं वो। उसको उसका बेस्ट तरीका ये है कि हेल्दी स्नैक्स से जंक फूड को रिप्लेस करने की कोशिश की जाए, फ्राइड फूड कम से कम। सॉफ्ट ड्रिंक बहुत पीते हैं वो। सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर ये ध्यान में रखना चाहिए कि इसमें चीनी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और इसके अंदर कैफीन की भी अच्छी खासी। कितनी होगी एक कोका कोला की बॉटल में चीनी? कोका कोला की बॉटल में या और इससे हेल्दी ड्रिंक्स में 7 से लेकर 10 टीस्पून तक की शुगर। 10 चाय के चमचे हम पीते हैं और उसको हजम करने के लिए कितना चलना होगा? काफी ज्यादा। काफी ज्यादा। अच्छा, तो इसे किससे बचाए? इससे हमसे बचना चाहिए, पानी ही जो है वो बेस्ट उसका उत्तर है। मेरे साथी कह रहे हैं कि एक सवाल रह गया कि हमने बुजुर्गों का नहीं पूछा, उनको सेहत के क्या मसाइल होते हैं आखिरी एज में, उनका कैसे खास ख्याल रखें? बुजुर्गों के लिए और दरमियानी उम्र और नौजवानों के लिए प्रिवेंटिव की चीजें तो एक ही है, जो एहतियात के जो मामला है, जो ऐसे 60s और 70s में ऐसे लोग होते हैं जिनको कोई बीमारी नहीं होती, तो उनको भी जो है वो अपने आप को एहतियातों का जिस तरह से उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है उस पर अमल करना चाहिए, और अगर उनको एज के साथ जो बीमारियां अगर कुछ हुई हैं, शुगर है, ब्लड प्रेशर है या कोलेस्ट्रॉल वगैरह की, ज़्यादा ख्याल करें, उनकी वॉक हल्की फुल्की होगी, उनका खुराक थोड़ा सा थोड़ा लाइट हो जाएगा, लाइट हो जाएगा। लेकिन उनको शायद डॉक्टरों के साथ जरा ज्यादा फ्रीक्वेंट हफ्ते में रहना चाहिए, टेस्ट कराते रहना चाहिए, कोई सिम्टम हो ना हो। आपसे बहुत मजेदार गुफ्तगु हुई, इसका इख्तिताम इस पे करते हैं दिलचस्प सवाल पे कि भाई आप अमेरिका में रहते हैं और हम भी अमेरिका से होकर आए, देख वहाँ के लोग फिट होते हैं, बूढ़े भी सीधे चलते हैं, तोंद भी नहीं होती, हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोग जरा डिफरेंट है, इसकी बड़ी वजह क्या? वहाँ पे ये चीजें समाजी तौर पे बहुत काबिल कबूल हैं कि लोग हेल्दी सेहतमंद जिंदगी गुजारें, बुनियादी एजुकेशन के साथ बहुत सारी चीजें वहाँ पे इसको मैसेज लोगों को आगाही है कि स्कूलों में जो निसाब पढ़ाया जाता है उसके अंदर दफातर में और दीगर जो इदारे हैं सरकारी सतह पे सिखाया जाता है, से बात होती है, अवेयरनेस है, हमारे यहाँ कमी है, हमारे यहाँ पता ही नहीं चल रहा है कि क्या है सेहत, सबसे आखिर में लेते हैं। ये मुझे नहीं मैं कह सकता कि ज्यादा मेरा कैमरा कम होता है वहाँ, लेकिन वहाँ का जो मामला है वो नहीं देखा है। अच्छा। चाहे हॉस्पिटल हों, डॉक्टर्स हों, ये इलाज के साथ साथ जो है वो एहतियात पे या परहेज को मुसलसल मैसेज जो है वो दे रहे होते हैं आवाम को। तो ये इसका कोई जेनेटिक से ताल्लुक नहीं कि उनकी तोंद नहीं होती और हमारी होती, खाने पीने लाइफ स्टाइल से ताल्लुक है? ये कोई जेनेटिक्स जो है वो ज्यादा बेहतर बता सकता है, इससे मेरी मालूम थोड़ी कम है। अच्छा, नहीं डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल ठीक कहा, आगाही होनी चाहिए लोगों को सेहत के बारे में, और इसको इंशाल्लाह आप और दूसरे आपके दोस्तों से मिलके इसको फैलाने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।